तो लीजिए, बढ़हर का अचार बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी। आप इसे तुरंत भी सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ तुरंत भी टेस्ट कर सकते हैं। हम आए हैं बड़हर के पास, यहाँ पे बड़हर का पेड़ है। तो देखिए, बड़हर का पेड़ है, ऊपर तक बहुत है और जगह जगह फरा भी है, ऊपर नीचे करके। तो देखिए, यहाँ पे जगह जगह फरे हुए हैं, बड़हर के फल लगे हुए हैं। एक प्रकार से ये भी कटहर जैसा फल है, जैसे कटहर होता है ऐसे बड़हर होता है। ऊपर भी ढेर सारे फरे हुए हैं, जगह जगह बड़े बड़े, छोटे छोटे, हर तरह के फरे हुए हैं। और इस फल का अचार और सिरका दोनों बनता है। तो बड़हर को हम तोड़ लेते हैं। तोड़ने पे इसमें दूध भी टपकता है, जिस तरह से कटहर में होता है, सेम कटहर का सगा लगता है, भाई ही है, उसी तरह से ये भी है। तो इसी प्रकार जितना जरूरत है, दो चार बड़हर, चार छह बड़हर हम ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बड़हर का अचार, जो कि बड़हर यहाँ लिए हुए हैं, तो एकदम देसी और साधारण तरीके से बड़हर का अचार बना के तैयार करेंगे। जो तरीके से हमारे घर पे बनाया जाता है, हम लोग खाते हैं, तो वही तरीका आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। आज हम लिए हुए हैं बड़हर, तो बड़हर को हम लेके, इसमें दूध होता है तो इसे हम तुरंत धो दिए हैं, ताकि धूल मिट्टी, जो थोड़ा सा कचरा वगैरह निकल जाता है। और इसे हम कट कर लेते हैं, जो अच्छा अच्छा है वही हम अचार के लिए और सिरके के लिए काटेंगे। तो इसमें से छांट के, जो अच्छा नहीं है तो पशुओं को डाल देते हैं खाने के लिए। तो इसमें से हम छांट छांट के, जो थोड़ा सा इस तरह का है अच्छा वाला, वही हम लेंगे और इस तरह से कट करेंगे। कट करने से पहले हम हाथों में सरसों का तेल लगाएंगे। जिस तरह से हम कटहर काटते हैं तो तेल लगाना पड़ता है, उसमें गुदा होता है, तो उसी तरह से इसमें भी गुद होता है, उससे थोड़ा सा कम होता है बस। तो इसलिए हमें इस दूध लगा ले सॉरी तो इसलिए हमें तेल लगा लेना है हाथों में और चक्कुओं में। तो अब इसे हम कट करेंगे। देखिए, तो इस तरह से छोटा बड़ा, जितना बड़ा साइज हमें चाहिए तो उतना बड़ा हम कट कर लेंगे। और इसके जो डंठल हैं, यहाँ देखिए, इस तरह से कट करके हम निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पे अंदर बीज भी पड़ा हुआ है। सेम प्रोसेस वही है, जैसे हम कटहर काटते हैं तो अंदर डंठल होता है, उसके बाद इस तरह से रेशे होते हैं, रेशे के अंदर कोया होता है, तो उसी तरह से बड़हर में भी होता है। जिनके यहाँ है, गांव में जो लोग यूज करे हैं, वो लोग तो जानते ही हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बताती हूँ। तो जो पुराने लोग हैं तो उन्हें तो सब चीज़ मालूम ही है, जो नया जनरेशन के लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, उनके लिए हम वीडियो बनाते हैं, वो लोग जान जाएँ इस प्रकार से। और जिन्हें मालूम है तो उन लोग तो और अच्छा अच्छा भी जान सकते हैं, मुझसे भी कहीं ज़्यादा भी जानते ही होंगे। तो इसी प्रकार हम सभी बड़हर काट के तैयार कर लेंगे। तो सभी बड़हर हम काट के तैयार कर लिए हैं, जो इसमें से खराब था उसे छांट के निकाल दिए हैं, जो अच्छा अच्छा था सभी को कट करके तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम धो लेते हैं एक बार पुनः, काटने के बाद भी एक बार इसे हम पहले से धुले हुए थे, तो इसमें से जो मिट्टी और दूध ताज़ा लगा था छूट गया था। दोबारा जो कट करने के बाद दूध वगैरह है, सभी को हम ऐसे धो लेंगे तो ये अच्छे से साफ हो जाता है। अब इसे हम छान लेते हैं। छान के किसी भी बर्तन में आप बनाना चाहते हैं, उबालना चाहते हैं, उसी में उबालिए। यहाँ पे हम एक भगोना लिए हुए हैं, भगोने में 1 से 1.5 लीटर तक पानी लिए हुए हैं। अब इसी पानी में हम बड़हर को डाल देंगे। तो सभी बड़हर हम छान के जिस बर्तन में हमें उबालना है उस बर्तन में हम रख देंगे। तो सभी बड़हर हम छान के इसमें ले लिए, इसे रख देते हैं उबलने के लिए। इसे हम ढक देंगे ताकि जल्दी से गर्म हो और जल्दी से उबल जाए। इसे हमें ज़्यादा टाइम नहीं उबालना है, अभी गर्म होते समय लगेगा। जब गर्म अच्छे से हो जाता है, उबलना स्टार्ट होता है, तो हमें 3 या 4 मिनट उबालना पड़ता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा उबाल रहे हैं तो लगभग 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं उबालेंगे।
और जब तक गर्म होता है उसका टाइम नहीं लिया जाता है, सामग्री के हिसाब से गर्म होता है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगता है गर्म होने में, कम है तो कम टाइम लगता है गर्म होने में। जब उबलने लगे तब हमें ध्यान रखना है, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा दबने लगे बस तुरंत उतार दे, नरमाहट आ जाए बस। तो इसे गर्म होने में 15 से 20 मिनट तक लगा हुआ है, तो अब एक अच्छे से गर्म हो गया है और उबलने लगा है। तो उबलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं इसे। तो 15 से 20 मिनट गर्म होने में टाइम लगा, अब यहाँ पे उबलते हुए 2 से 3 मिनट तक हो चुके हैं। तो देखिए बढ़हर उबल के इस तरह से हो गए हैं, जो नीचे का है वो अच्छे से एकदम उबल चुका है। तो ये जो ऊपर का था हम उलट पुलट के नीचे कर दिए हैं, जो नीचे का था ऊपर कर दिए हैं, ताकि सभी बढ़हर एक समान पक जाए, कोई कच्चा कोई पक्का ना रहे। तो देखिए हम आपको दिखाते हैं बढ़हर किस तरह से पका हुआ है। तो उबलते हुए 2 से 3 मिनट के बाद देखिए कितना बढ़िया ये पक गया है। अब इसे हम उतारेंगे और ज़्यादा इसे पकाएंगे तो एकदम से गल जाएगा। तो इसे बस इतना ही हमें बस दबने लगे, नरमाहट आ जाए इसमें बस। तो इसे हम ले चलते हैं पसाएंगे। इसका पानी जो है इस तरह से, कोई झन्ना वाला बर्तन, डलिया है, दौरी है, जो भी है आपके पास, उसी में इस तरह से ट्रांसफर कर दीजिए ताकि इसका पानी पूरा निकल जाए। बढ़हर बहुत ही बढ़िया महक रहा है, खाने का मन कर रहा है कि नमक लगा के एक दो खाएं। इसे हम ले चलते हैं खटिए पे फैलाएंगे। तो यहाँ खाट पे हम एक कपड़ा बिछाए हुए हैं, इसी पे इस तरह से फैला देंगे और इसे हम धूप में अच्छे से सुखाएंगे। इस वक्त तो धूप नहीं है तो हवा तो लगेगा ही, पर धूप जब होगी तो हम धूप में इसे सुखा लेंगे। तो इसे अच्छे से सुखा के फिर मिलते हैं आपसे। पूरे एक दिन हम धूप में बढ़हर को सुखा लिए हैं। तो सुखाने के बाद देखिए इतना बचा हुआ है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा सूख गया है। इसमें पानी की नमी थोड़ी सी भी नहीं है, अंदर जो है थोड़ा मुलायम है, ऊपर से एकदम सूख गया है, आप देख पाएंगे। तो इसका हम आज अचार बना के तैयार करेंगे। तो हम सभी का अचार नहीं बनाएंगे, इसमें से लगभग 1 किलो तक हम लेंगे और उसका अचार बना के तैयार करेंगे, जो कि बढ़हर का अचार बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो आधा बढ़हर हम ले लेंगे, तो इतना बढ़हर हम ले लिए हैं, इतना रख देंगे। इसे सुखा के हम सिरके में डाल देंगे खाने के लिए, सिरका तैयार हो जाएगा इस बढ़हर से। तो बहुत ही बढ़िया सिरके में इसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में बढ़हर वाला जो सिरका बनाया जाता है। और सिरके का वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और उसी सिरके में हम इसे सुखा के डालेंगे खाने के लिए। तो इसे हम रख देते हैं धूप में सूखने के लिए। तो आज हम बनाएंगे बढ़हर का अचार। तो बढ़हर का अचार बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ सामग्री लिए हुए हैं, तो इन्हें हम भून के तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। तो 1 किलो बढ़हर के लिए इतना हम मसाला सामग्री लिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मसाले को भून लेते हैं। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा बड़ा मसाला है उन्हें हम पहले भूनेंगे, धनिया, सौंफ, जीरा। अब इन मसालों को हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे, उसके बाद हम सभी मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये थोड़ा बड़ा मसाला है तो इसे थोड़ा टाइम लगता है, तो इन्हें हम थोड़ा सा पहले भून लेंगे, हल्का सा हमें भूनना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा तेज आंच पे हमें कभी मसाला नहीं भूनना चाहिए। जब भी अचार के लिए आप मसाला भून रहे हैं तो धीमी आँच पर ही भूनिए, ताकि वो अंदर से बहुत ही बढ़िया सिक जाए और अच्छा से खुशबू आए मसाले में और अचार बहुत ही बढ़िया टेस्टी बने। तो मिर्च का हम डंठल तोड़ लेते हैं, डंठल निकाल लिए हैं और 1-1.5 मिनट इन्हें भूनते हुए हो चुका है समय। अब ये थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, भून गया है। अब इसमें हम मेथी, मंगरेल, लाल मिर्च डाल देंगे और यहाँ पे थोड़ा सा हम पीली सरसों लिए हैं, थोड़ा सा काली सरसों, तो इन्हें भी हम डाल देंगे। सरसों से थोड़ा सा स्वाद बहुत ही बढ़िया अचार का आता है। अगर आपको पसंद है तो आप सरसों इसमें यूज कीजिए, नहीं पसंद है तो आप सरसों नहीं डाल सकते हैं। तो पीली और काली हम दोनों सरसों लिए हैं, जिसे रवा भी बोलते हैं हम लोगों के यहाँ, इसे सरसों ही बोलते हैं।
रवा कहें या राई कहें कुछ भी, हमारे यहाँ तो सरसों ही बोला जाता है, छोटी सरसों, बड़ी सरसों, पीली सरसों। अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे। जब ये अच्छी सी खुशबू आने लगे बस तुरंत हमें इसे उतार लेना है। तो सभी मसाले अच्छे से भून गए हैं, बहुत ही बढ़िया इसकी खुशबू आ रही है, महक रहा है, तो इसे हम तुरंत उतार लेते हैं। लगभग 5 से 7 मिनट तक हम धीमी आंच पे इन्हें भुने हुए हैं। अब इन्हें हम पलट देंगे ठंडा होने के लिए, ऐसे फैला देंगे थोड़ा सा ठंडा हो। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम सरसों का तेल गरम कर लेते हैं, क्योंकि जब भी अचार बनाएं तो सरसों का तेल ही डालें, क्योंकि सरसों के तेल से बहुत ही टेस्ट आता है। तो हम गरम इसलिए करते हैं क्योंकि बाजार का तेल है, और इस तेल को आप ऐसे ही डालेंगे तो अचार बिगड़ने का चांसेस रहता है। गरम करके फिर उसे ठंडा कर देंगे तो ख़राब नहीं होगा अचार। तो 1 किलो सूखा हुआ बड़हर हम लिए हुए हैं, उबाल के उसे सूखा के लिए हैं। तो उसके लिए हम 150 ग्राम सरसों का तेल लेंगे, क्योंकि तेल और मसाला मीडियम ही हम लोगों के यहाँ बनाया जाता है, बहुत ही बढ़िया लगती है, अच्छा लगता है। अगर आपको पसंद है तो तेल और भी बढ़ा सकते हैं, तो हम इतने तेल में ही बनाएंगे। तो तेल को गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा भाप उठने तक हम इसे गर्म करेंगे। तो तेल को इधर हम रख दिए हैं गर्म होने के लिए, और मसाला भी थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया है। तो इधर हम मसाला भी पीस के तैयार कर लेते हैं। मसाले को हमें एकदम महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है। जब भी अचार बनाएं दरदरा ही पीसें, कोई भी अचार हो तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, जब तेल में सिझता है, नमक हल्दी में पड़ता है। तो मसाला हम थोड़ा सा पीस चुके हैं, और तेल भी इधर अच्छे से गर्म हो गया है, हल्का सा धुआं उठ रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा तड़का लगाएंगे, क्योंकि अचार टेस्टी हमें बनाना है, बहुत ही बढ़िया, जब ताकि स्वाद आए, अच्छा आए खाने में। तो जब भी बड़हर का अचार बनाएं थोड़ा सा तड़का लगा के ही बनाएं, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 चुटकी मेथी, 1 चुटकी मंगरेल और 2 चुटकी हींग। तो इसी में हम डाल देंगे, और थोड़ा सा इसे हल्का सा 1 मिनट पकने देंगे। और 1 मिनट तक ये पक गया है, अब इसे हम उतार देते हैं। अब इसे ठंडा होने के लिए यहाँ पे हम रख देंगे, हवा है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं पीस के। तो देखिए यहाँ हम थोड़ा दरदरा ही पीसे हुए हैं, अचार में इसी तरह से थोड़ा सा दरदरा ही पीसा जाता है, ताकि अचार बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट बने। तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, बड़हर भी देखिए इस तरह से सूखा होना चाहिए। तो देखिए इसे हम उबाल लिए हैं और सूखा लिए हैं, तो तोड़ने पे अंदर का देखिए कैसा है। 1 किलो बड़हर के लिए इतना हम मसाला सामग्री लिए हुए हैं, जो कि 15 ग्राम धनिया है, 10 ग्राम सौंफ है, 7-8 ग्राम जीरा है, 5 ग्राम मंगरेल है, 7-8 ग्राम मेथी है, और 7-8 ग्राम बड़ी काली सरसों, 7-8 ग्राम पीली सरसों। थोड़ा थोड़ा मसाला 1 किलो सामग्री लिए हैं, तो बस इतने ही थोड़े थोड़े मसाले में आप अचार बना सकते हैं। और 10 से 15 ग्राम तक लाल मिर्च है जो सूखा हुआ है। तो चलिए इसे हम अचार के रूप में मिक्स करके तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़हर को तेल में ही डाल देंगे। 2 बड़ा चम्मच हल्दी लेंगे, लगभग 4-5 ग्राम रहेगा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। अचार में थोड़ा सा नमक चटक ही रहता है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं कि एकदम खर हो जाए, क्योंकि जब भीनता है तो नमक कम हो जाता है, इसलिए हल्का सा चटक पहले से रखना चाहिए। जब वो भीनता जाएगा तो स्वाद नमक का अंदर होता जाएगा, तो नमक हल्का हो जाता है, मीडियम हो जाता है, तो इसलिए हल्का सा चटक नमक डालते हैं अचार में। 1 चम्मच काला नमक भी हम इसमें डाल देंगे, काला नमक से जो है स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है अचार की, और खाने में भी टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे जो हम मसाला लिए हैं, सभी मसाले को इसमें मिला देंगे। अब इसे हम 1 चम्मच से सूखा हुआ चम्मच होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया इसे मिक्स कर देना है हमें। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए बड़हर का अचार बहुत बढ़िया मिक्स हो गया है, और अभी आप तुरंत भी इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर जल्दबाजी में खाना हो तो आप बड़हर का अचार इस तरह से बनाइए, और जिस दिन बनाइए उसके अगले दिन से ही खाना स्टार्ट कीजिए,
तो बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छा बड़हर का अचार बन के तैयार है। अभी अचार जो है हम डिब्बे में भर के रख देंगे, जो भी आप डिब्बा लीजिए, प्लास्टिक हो या शीशे का हो या भरनी हो, कोई भी चीज़ हो, तो उसे अचार जब भी बनाएं तो डिब्बा पहले से धो के सुखा लें, या नया ले रहे हैं तब भी आप उसे धो के सुखा के तब उसमें रखिए, क्योंकि पॉलिश वगैरह मारे रहते हैं डिब्बे में या कुछ भी लगाया हुआ रहता है, तो आप उसे स्वच्छ करके तब लीजिए। और अच्छे से सूखा होना चाहिए, ज़्यादातर ध्यान यही देना है, तो साफ़ सुथरा हो, सूखा हो। तो इसी डिब्बे में हम इसे भर के रख देते हैं। और एक बात और, अगर आपको तेल ज़्यादा पसंद है तो तेल जब भी इसमें डालिए अचार में, थोड़ा सा गर्म करके ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद आप इसमें तेल और भी ज़्यादा रख सकते हैं, पर हम लोगों के यहाँ थोड़ा सा तेल हमें कम पसंद है अचार वगैरह में, कि मसाले उसमें चिपके हों, तेल कम हो और अचार स्वस्थ रहे, तो इसलिए हम इस तरह से अचार बनाते हैं ताकि तेल से छन जाता है मसाला, तो हम तेल ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। तो आप लोगों को अपने ही तरीके से बताते हैं, अगर पसंद हो तो आप लोग भी इस तरह से बनाइए, अन्यथा तेल थोड़ा सा और डाल सकते हैं। तो हम डिब्बे में इसे भर के रख देते हैं। तो लीजिए, बड़हर का अचार बन के तैयार है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी। आप इसे तुरंत भी सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ, रोटी के साथ तुरंत भी टेस्ट कर सकते हैं, और अगले दिन से आप खाना इसे स्टार्ट कर दीजिए। तो इस तरह से आप डिब्बे में भर दीजिए और भर के इसे धूप में रख दीजिए। धूप में हमें 2 से 3 दिन तक अच्छे से सुखाना है, और अचार को प्रतिदिन उलट पुलट के उलझारना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, हाथ से नहीं, सिर्फ डिब्बे से। आप कोई भी थोड़ा सा बड़ा डिब्बे में आप जब भी बनाए इस तरह से बंद करके, और इस तरह से ऐसे ही इसे उलझार के चलाना है, और रोजाना चलाते रहना है, ताकि अचार जो है ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। और 3 से 4 दिन तक हमें धूप में रख देना है, ताकि अचार हमारा बहुत ही बढ़िया अच्छे से धूप के द्वारा सिझ जाए, तैयार हो जाए और ख़राब ना हो। जब भी आप अचार बनाएं धूप में थोड़ा सा दिखाते रहें तो अचार कभी ख़राब नहीं होगा। आप लंबे समय के लिए रख रहे हैं तो बीच बीच में ज़रूर अचार का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसे 10 दिन 15 दिन 20 दिन बीत गए हैं, तो एकाध बार ज़रूर अचार को देख लेना है कि हमारा अचार ख़राब तो नहीं हो रहा है, और उसे देख के, और धूप है अगर तो धूप में आप रख दीजिए, अगर उस दिन धूप नहीं है तो अगले दिन धूप में रख दीजिए। 10 दिन पे 15 दिन पे 20 दिन पे नहीं रख रहे हैं तो 1-2 महीने में एकाध बार ज़रूर धूप दिखा दें, तो अचार कभी नहीं ख़राब होगा ना बिगड़ेगा। ऐसे ही आप अचार सालों साल चला सकते हैं, 1 साल बनाइए, 2-2 साल 3-3 साल खा सकते हैं। तो हमारा बड़हर का अचार वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।